और चूंकि बत्तख जो खाना खाती है उसका पूरा उसके पेट में पचता नहीं है, अपचित भोजन जो है उसके तालाब में गिरता है, और ये अपचित भोजन जो है हमारे तालाब की मछलियों के लिए एक अच्छा आहार हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो 60% खाना जो मछली का के पालन में जो हम लोग का 60% जो व्यय है वो हमारे मछली के पूरक आहार में लगता है, उसकी बचत हो जाती है। इसीलिए हम लोग बत्तख से मछली पालन करते हैं। उसके अलावा बत्तख जो है चूँकि वो तालाब में चारों तरफ दिन भर घूमती है और अपने भोजन के लिए तालाब के तल तक भी डुबकी लगाती है, जब वो तल में डुबकी लगाती है तो उसके जो तालाब की मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं बंधे हुए रहते हैं, तो जो बार बार डुबकी लगाने और उनका अपने चोंच से जो वो धक्का देती है, जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट है, जो बंधे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं मिट्टी में, वो ऊपर रिलीज हो जाते हैं, जिससे तालाब की उर्वरकता जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। आप देखिएगा, अगर वाटर टेस्ट कीजिएगा तो वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है बत्तख पालन से। तो ये भी मछली का नेचुरल फूड जो होता है, जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन का ग्रोथ अच्छा हो जाता है, जिससे मछली का खाना भी अच्छा बनने लगता है। और जो हमारे जैसे अभी बरसात का समय है, 2-3 दिन लगातार आकाश में बादल छाए रहते हैं, ये बादल छाए रहने से एक परेशानी हो जाती है मछली पालकों के साथ, क्योंकि तालाब में इस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से तालाब में जब चूँकि मछली जो है अपने गलफड़े से डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है, जो घुलित ऑक्सीजन, वो एटमोस्फेरिक एयर नहीं लेती है, हम IMC की बात मैं कर रही हूँ। अगर वो मागुर है या एयर ब्रीदिंग फिशेज है तो वो भले एटमोस्फेरिक एयर ले लेगी अगर उसके ऑक्सीजन का डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जब IMC की बात होती है तो वो घुलित ऑक्सीजन का ही उपयोग करती है। तो बत्तख की ये विशेषता है कि जो हमारे यहाँ जो बार बार वो हलचल करती है पानी में, तो उससे ऑक्सीजन लेवल जो है एटमोस्फेरिक एयर जो है पानी में घुल जाता है, और DO जिसको डिजॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है वो तालाब में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ये बरसात में ये समस्या आ जाती है ऑक्सीजन की कमी होने पर, ये बत्तख उसकी भरपाई कर देता है। इसमें हम लोग 3 तरह का लाभ ले सकते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। एक तो हमको बत्तख का मांस मिल सकता है, मछली मिल सकती है, और बत्तख के अंडे मिल सकते हैं। तो उसमें अगर हम लोग खाकी कैम्बेल वैरायटी लेते हैं, ऐसे तो देशी बत्तख किसान भाई पालते ही हैं, लेकिन अगर वो खाकी कैम्बेल मछली के साथ पाले, खाकी कैम्बेल एक भूरे रंग की बत्तख होती है, और इसका डिजीज़ रेसिस्टेंस भी काफ़ी होता है, और इसकी अंडा देने की कैपेसिटी जो आपका 4 से 6 महीने में वो अंडा देना शुरू कर देती है। तो अगर किसान भाई खाकी कैम्बेल अपना तालाब में पालते हैं तो उन्हें अंडा का भी 6 महीने में मिलेगा, और आप जानते हैं कि एक अंडा 8 से 10 रुपये या कहीं कहीं तो, ये तो क्षेत्र निर्भर करता है कि अंडा का क्या प्राइस है, लेकिन ये 8 से 10 रुपये से कम नहीं मिलता है, तो उस तरह से भी किसान भाइयों को मुनाफा है। फिर अगर वो मछली बेचते हैं तो उससे भी उनको मुनाफा है, और उसके बाद वो और भी ग्रो करते हैं, मांस पर्पज़ से ग्रो करते हैं, तो उनको बत्तख भी बेच के, जैसे वो लोग अभी झारखंड में बहुत सारे पर्व होते हैं जिसमें लोग बत्तख के मांस खाते हैं, तो उसमें भी बेच के किसान भाइयों को फ़ायदा है।